हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, जैसे ये ब्लाउज़ की जो स्लीव्स होती हैं हमारी या कुर्ती की स्लीव्स होती हैं, तो इसको कटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि इस तरह से हमें स्लीव्स पेपर को डबल करना है। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे हम कुर्ती की स्लीव्स कट कर रहे हैं तो कुर्ती की स्लीव्स जो है, जैसे 5 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई है, तो इसमें हमें को 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 6.5 इंच आपको लेना है। यहाँ पे भी आपको एक मार्किंग करनी है, इस तरह से आपको ये सीधा लेना है। ये एक्स्ट्रा जो है इसे हमें कट करना है। तो ये जो है यहाँ पर हम इस तरह से इसको मार्किंग करते हैं। ये हमारी फोल्ड पट्टी है, ये जो है ये हमारी फोल्ड पट्टी है। फोल्ड पट्टी जो है, जैसे जितनी लंबाई है आपकी स्लीव्स की, जितनी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि डबल फोल्ड हम करके अंदर के साइड में इसे कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं कुर्ती के ऊपर भी। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पर एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से ये बाजू का शेप देना है। इस तरह से हम बाजू का शेप देते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच में हमें 1 इंच का अंतर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे, 2 इंच दोनों के बीच में हमें 1 इंच का अंतर होना चाहिए। और बॉटम जो है, जैसे इसके ऊपर हमें बॉटम लेना है, जैसे 5.5 इंच हमारा 5 इंच हमारा तैयार बॉटम है, तो इसमें हमें 6.5 इंच लेना है, यानी कि 1.5 इंच इसमें प्लस करना है। तो यहाँ हमें इस तरह से इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा जो पेपर है उसको पहले कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने ये बैक साइड का जो आर्मोल है इसे कट किया है। अभी यहाँ पे हमें ये फ्रंट साइड का जो आर्मोल है इसे कट करना है। इस तरह से हमने ये बैक और फ्रंट साइड का आर्मोल आपको कट करके दिखाया है। और ये जो है ये हमारी फोल्ड पट्टी है, जैसे अंदर के साइड में ये फोल्ड हो जाएगी, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। तो फिर ये तैयार स्लीव्स हमारी ये इस तरह से आएगी, यहाँ पे हमारी ये तैयार स्लीव्स आएगी, यहाँ तक आपको फोल्ड करना है। तो ये मैंने आपको कुर्ती की बाजू जो है वो कैसे कट करनी थी ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।